हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय श्री स्वामीनारायण। हाउ आर यू फ्रेंड्स? हमारा सब्जेक्ट है ईवीएस। तो फर्स्ट उसमें ओरल वर्क करते हैं, ठीक है। फर्स्ट रिकॉग्नाइज करेंगे बॉडी पार्ट्स। Recognize body parts, ठीक है। ओके, E-Y-E-I, N-O-S-E, nose. H-E-A-D, head. E-A-R, ear. L-I-P, leaf. H-A-N-D, hand. H-I-P, hip. L-E-G, leg. E-Y-E, yes, I. N-O-S-E, yes. H-E-A-D, head. क्या बोलेंगे? हैंड नहीं, हेड, ठीक है। हेड यानी सिर, ओके। हैंड यानी हाथ। E-A-R, yes, ear. L-I-P, good, lip. H-A-N-D, yes, hand. H-I-P, hip. L-E-G, yes, leg. Family spelling recognize करेंगे, ठीक है। First है F, A, T, H, E, R, father. M, O, T, H, E, R, क्या होता है? Yes, mother. B, R, O, T, H, E, R, brother. U N C L E, yes, uncle. A U N T, aunt. B A B Y, baby. Next I come myself. इसमें फर्स्ट आएगा माय नेम इज सो एंड सो, ओके। उसके बाद आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल। उसके बाद आएगा I am blank years old। कितने साल के हुए? 5। I am 5 years old। उसके बाद I study
इन क्लास विच क्लास? यस यूकेजी। उसके बाद माय फेवरेट कलर इज, यस रेड। उसके बाद माय फेवरेट फ्रूट इज मैंगो। ठीक है, सबको बोलना है। ठीक है, एक एक को पूछूंगी मैं फर्स्ट, ऐसे ही बोलते जाना है। माय नेम इज, जो भी नाम है वो बोलना है। आई एम अ बॉय, आई एम 5 years ओल्ड, आई स्टडी इन क्लास यूकेजी, माय फेवरेट कलर इज रेड, माय फेवरेट फ्रूट इज मैंगो। मैं आपको बोलूं, माय सेल्फ बोलिए, तो आपको ये सेंटेंस बोलने हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद कलर रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, ओके। आर ई डी रेड, जी आर डबल ई एन ग्रीन, पी आई एन के पिंक, बी एल यू ई ब्लू, एस के वाई स्काई, BLACK ब्लैक, ORANGE ऑरेंज, YELLOW येलो, WHITE white, ओके। हमारा आज का रिटर्न वर्क आएगा ईवीएस में, पेज नंबर 66। फिल इन द मिसिंग लेटर्स विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर क्लॉज। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर दिए हैं, लेटर भी लिखे हैं, जो मिसिंग है वो आपको फिल करने हैं। ठीक है, ये देखो, ये दोनों पैर दिख रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? फिट। तो FEET फिट। तो यहाँ पे एक ई दिया है, दूसरा आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, ओके। ये उंगली दिखाई दे रही है, क्या बोलेंगे? फिंगर्स, यस फिंगर्स। एक से ज्यादा है तो एस बोलेंगे, फिंगर्स। ठीक है, तो FINGERS फिंगर्स। ठीक है, विथ पिक्चर नोज, तो नोज स्पेलिंग NOSE नोज। ओके, ये है ईयर्स। ठीक है, दो है तो ईयर्स बोलेंगे। ठीक है, तो ERS ईयर्स। ये है आई, तो क्या बोलेंगे? ईवाई ईएस आइस। ठीक है,
ओके, ये है हेयर, तो एच ए आई आर, हेयर, एच ए आई आर, जो मिसिंग है वो हम लिखेंगे, ठीक है। ये है हेड, एच ई, या ब्लैंक से तो क्या आएगा, हेड का स्पेलिंग एच ई ए डी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए, एच ई ए डी, हेड। ये है टीथ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी ई, फिर से ई, टी डबल ई, टी एच, टीथ, ठीक है। ओके, ये है लेग्स, तो एल ई जी एस, लेग्स, ठीक है। आपको ये बुक्स में करना है, ठीक है, टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 66। नोटबुक में आपको, ईवीएस की नोटबुक में आपको होमवर्क में करना है, फर्स्ट यहाँ डेट डालनी है, सेकंड अक्टूबर होमवर्क, ठीक है। फर्स्ट लाइन में डालेंगे टीक, ध करेक्ट वर्ड, ठीक है। कलर्स दिए होंगे और उसमें दो वर्ड लिखे होंगे, तो आपको उसमें क्या करना है, जो सही कलर है उसके ऊपर टिक करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे सन ड्रॉ करेंगे, ऐसे सर्कल करेंगे, बाद में ऐसे, ये हो गया सन, यहाँ पे लिखेंगे ध सन इज, Y E double L O W this green, ठीक है। तो आपको सन में कलर करना है, कौन सा कलर आएगा सन का, ये येलो, येलो कलर करेंगे और यहाँ पे येलो के ऊपर ऐसे टिक करोगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपको ऐसे क्लाउड ड्रॉ करने, ठीक है, बाद में लिखेंगे ध क्लाउड इज वायोलेट एंड वाइट। क्लाउड कैसे होते, क्लाउड ऑलरेडी वाइट होते, तो आपको उसमें कलर नहीं करने हैं और वाइट के ऊपर टिक करने, ठीक है। ओके, बाद में ऐसे क्रॉप सर्कल करोगे, ऐसे क्रो की चोंच बनानी है, ठीक है, और ये उसकी आईज, ऐसे बना देना है और ब्लैक कलर फिल करना है इसमें, ठीक है। बाद में लिखोगे ध क्रो इज ब्लैक एंड वाइट। क्रो कैसा होता है, यस ब्लैक, तो ब्लैक के ऊपर टिक। बाद में यहाँ पे इसे ट्री ड्रॉ करेंगे, ट्री में करेंगे ग्रीन कलर, तो ध ट्री इस ग्रीन एंड पिंक। ट्री का कलर कौन सा होता है, ग्रीन, तो ग्रीन के ऊपर टिक। नेक्स्ट हम लोटस ड्रॉ करेंगे, ओके, अब लिखेंगे ध
लोटस इज ब्लू एंड पिंक। लोटस में कौन सा कलर करना है हमें? पिंक। तो यहाँ पे टिक आएगा पिंक के ऊपर, ठीक है। तो आपको ये टिक द करेक्ट वर्ड होमवर्क में नोटबुक में लिखना है, और पिक्चर में ये पिक्चर है उसमें कलर फिल करना है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।